श्रेयांस गिरी पर्वत माला के दर्शन करके, तीर्थ के दर्शन करके, अब मैं पुरातत्व विभाग की जो साइड है चौमुखनाथ मंदिर नचने गांव में आ गया हूँ। और ये बहुत ही दुर्लभ प्रतिमा है, चार मुख वाला शिवलिंग है और ऐसी प्रतिमा आज तक कहीं मैंने नहीं देखी है। रक्षित स्मारक है और यह एक पार्वती मंदिर भी है, नचना कुठारा बोलते इसको, भारतीय पुरातत्व संरक्षण जबलपुर मंडल, संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार। बहुत सुंदर यहाँ गार्डन बना हुआ है बहुत बड़ा, और काफी मूर्तियां भी गार्डन में रखी गई है। पूरा ये बुद्ध भगवान की मूर्ति है, मुद्रा में है गौतम बुद्ध। ये पार्वती मंदिर है, जर्जरित है, खंडित हो गया है, इसमें मूर्ति नहीं है। ये है मुख्य मंदिर चौमुखनाथ जी। डिजाइन बनी है, गुप्तकालीन मंदिर है, कम से कम ये 5वीं 7वीं शताब्दी का है। पार्वती मंदिर 5वीं शताब्दी का माना था, ये 7वीं शताब्दी का है, गुप्तकालीन है। और ये डिजाइन देखिए आप, पूरे मंदिर में बने, और मूर्तियाँ बहुत सुंदर है। देखिए दीवार पे शिव पार्वती की मूर्तियाँ बनी हुई है, डिजाइन है, और जालीदार खिड़कियाँ है तीनों तरफ। पहले मैं और कुछ दिखाता हूँ, बाद में मंदिर चल। पूरा गार्डन है, बहुत सुंदर बना है। एक आंवली का पेड़ बहुत बड़ा है, एक वटवृक्ष भी है यहाँ, ये देखिए। वहाँ एक पत्थर का चौतरा भी बना है, ऊपर मंदिर है गणेश जी का। ये आंवली के नीचे और भी पेड़ है, शिवलिंग स्थापित है, ये भी कहीं होगा पहले मंदिर में। पीठिका भी बनी हुई है, पीठिका सहित यहाँ स्थापित कर दिया गया है बांबली के नीचे। यहाँ एक मंदिर का ऊपर का जाली भाग रखा हुआ है, कहीं से टूटा हुआ होगा। ये देखो बहुत वजनदार है, जालीदार नक्शेदार है, मूर्तियाँ बनी है, खंडित है, तोड़ी गई है मूर्ति। विद्रोहियों ने खारी काफी यहाँ नुकसान किया मुसलमानों ने। जाली देखो, डिजाइन देखो, और एक मूर्ति यहाँ बहुत सुंदर है, चौमुख बोलते हैं इसको भी, चार मुख वाली है। देखिए ये नरसिंह भगवान की मूर्ति, पत्थर की पीठिका में कितना काम, नक्शेदार काम। देखो ये देखो डिजाइन मूर्ति पर जो बनी है, हार वगैरह श्रृंगार। ये नरसिंह भगवान, ये वामन अवतार, नहीं सुनते। ये भी खंडित की गई है, तीसरी साइड में भी खंडित मूर्ति है देव देवताओं के। और चौथी साइड में वराह स्वरूप, वराह अवतार की मूर्ति है, कितनी सुंदर है। अन्य मूर्तियां देखो बनी, पेड़ टूटा हुआ है, खंडित किया गया। आराधना कर रहे हैं गणिकाएं भगवान वरा। ये देखो छत्र लेके बैठे हैं गण, अद्भुत ही
ये श्रृंगार देखो, बहुत कड़ी धूप है। 9 बज गया है, श्रेयांशगिरी हमने पूरी यात्रा करी, इसलिए लेट हो गया थोड़ा। ये देखिए गार्डन, मेहंदी लगी हुई है चारों ओर। ये चौमुखनाथ मंदिर लेख है यहाँ पर, ये 5-7वीं शताब्दी का मंदिर है। चौमुखनाथ मंदिर गर्भगृह में चतुर्मुख शिवलिंग प्रतिष्ठित है। गुप्त काल की कला का विशिष्ट यहाँ पर स्थापित है, जटिल अलंकरण है डिजाइन। यहाँ पर एक पत्थर का टीला बना जिसमें गणेश जी की मूर्ति स्थापित है। मंदिर छोटी डेयरी है, ये भी कहीं मंदिर रहा होगा पहले। ये देखिए मंदिर के सीढ़ी के पास निशान बने हैं जानवरों के मूर्ति, ये बहुत दुर्लभ है। शेर बने हैं, टूटे हुए हैं। हिरण बना है, शेर बना है, अब हम प्रवेश करेंगे मंदिर में। जाली पे बहुत सुंदर मूर्ति कोड़े की, शेर की बनी हुई है। देखो सवार है, घोड़े की प्रतिमा है, लक्ष्य काम देखिए। दोनों साइड बनी हुई है घोड़े की प्रतिमा, घोड़े सवार ऊपर सवार है, खड़ा है, देखो एक बैठा हुआ है, दोनों साइड है, साइड में एक खड़ा एक बैठा। पहले मैं बाहर का सब दिखा देता हूँ, तो दक्षिणा पथ ये देखो, जटिल डिजाइन बनी हुई है। पहले इनमें भी मूर्तियां रही होगी गोख में, ये देखिए खंडित मूर्तियां है, नाचती हुई मुद्रा की मूर्तियां, आनंद उत्सव मना रही का प्रतीक है। ये जाली लगी है, इसमें भी डिजाइन नहीं, शिव पार्वती जो मैंने पहले दिखाया था दूर से। खड़ी है ये बैठी मूर्ति है,
और देखे डिजाइन देखे। दूसरी तरफ भी जाली बनी हुई, यहाँ भी मूर्तियां बैठी और खड़ी शिव पार्वती की। तीसरे साइड यहाँ एक कुआ भी है विशाल, जो शायद पैक कर दिया गया है, बोरवेल है एक, इसमें भी हमने पानी पिया। बहुत सुंदर गार्डन, ये जलाधारी का पानी निकलने का था। तीसरी जाली है, यहाँ भी खड़ी बैठी मूर्ति है, एक खड़ी मूर्ति और एक बैठी मूर्ति, तीनों साइड जाली के ऊपर। बहुत सुंदर वो ये प्रतिमा है। ये मूर्ति मुझे सबसे अच्छी लगी, देखो नाश्ती हुई, ये दीवार में बनी हुई है, कितनी सुंदर डिजाइन है देखो। एक ऊंचा है नृत्य मुद्रा में, नर्तक खड़ा है, और ये एक मूर्ति है तो बहुत दुर्लभ है। ये काचबा है कछुआ, और इसमें मुख भी बना है मनुष्य का, देखो दांत निकले हुए, और ये माला है एक हाथ में, और दूसरे हाथ उंगली से वो पैर दिखा रहा है, काचबे के देखो कुछ दिखा रहा है पैर अपने, कि देखो आधा मनुष्य आधा कछुआ, बहुत दुर्लभ मूर्ति। तो ये तीनों साइड मैंने दिखा दिया। मुख्य मंदिर में हम आ गए हैं, मंदिर के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। अंदर भी बहुत सुंदर मूर्ति देखी, शेषशायी ये सरनाग है, और देवासुर संग्राम में जो विष निकला वो नीलकंठ बन के भगवान शिव ने पिया शंख में से, पात्र में से, ये प्रतिकृति है। देवी खड़ी है ऊपर, उनके भी सर्प बने हुए हैं। तो आप देख सकते हैं पूरा, हरि ओम। अब दूसरी साइड भी मैं अब दिखा देता हूँ, वहां भी अलंकृत ये स्तंभ बने हैं दोनों साइड में, ये देखिए। और ये भी दुर्लभ मूर्ति है, नीलकंठ बन के जो विषपान किया था भगवान शिव ने, इसकी ये प्रतिकृति है। और ये ताली बजा रहा है देखो, ये बहुत दुर्लभ है गणधर, देखो ये पूरे वस्त्र के सब अलंकृत बना हुआ है, ये देखिए जटाधार शिव सर्व, ये देखिए वस्त्र की डिजाइन, आभूषणों की डिजाइन, ये माला साफ मूर्ति में अंकुरित किया गया है। अब मैं चौमुखनाथ जी मंदिर, जो मेन मंदिर है, ये अद्भुत मूर्ति है चार मुख वाली, इसको बोलते चौमुखनाथ जी। ये पीठ बनी हुई है पत्थर की, शिवलिंग है वो, देखो भैया सौम्य मुख है, और ऊपर जटा जो बना है वो बट गया। चलो चेंज,
दूसरी साइड का मुख चार गले का तीसरा साइड माँ पार्वती बैठी है आंखें बंद है अब चौथे नंबर का जो है वो बहुत अद्भुत है अलंकृत मैं वो दिखाने जा रहा हूँ वाह विकराल मुख मुद्रा है अब मैं पूरी चारों तरफ की प्रतिमा दिखा रहा हूँ पूरा लोकेशन जल आदि यहाँ चढ़ाते हैं तो ये चौमुखनाथ जी की अद्भुत प्रतिमा अद्भुत दर्शन है देखिए चौमुखनाथ ऐसे मूर्ति कहीं नहीं देखी हमने ये सातवीं शताब्दी की नहीं है ये सौम्य मुख और ये विकराल मुख दोनों एक साथ देखे जटाजूट तो बहुत अद्भुत बनी हुई है ये दोनों सौम्य मुख दूसरी साइड ये चारों मुख एक साथ में दर्शन करवाए दो भाग में बाहर से दर्शन करवा देते प्रवेश द्वार यहाँ भी डिजाइन बनी है मूर्तियाँ बनी हुई हैं परिसर का आखिरी मंदिर में हम जा रहे हैं पार्वती मंदिर जिसको बोलते हैं पांचवी शताब्दी का है लगभग और अब थोड़ा सा भाग बचा हुआ है खाली गर्भगृह की जो द्वार है वहाँ डिजाइन है बस बाकी अंदर मूर्ति कुछ नहीं है एक पत्थर के विशाल चौतरे पर ये बना है दोनों तरफ गार्डन बना है एक विशाल पत्थर का चौतरा है ये चौतरा भी अद्भुत तरीके से बनाया गया देखो इसमें खाने रखे गए हैं देखो इसलिए मतलब सीधा सिंपल नहीं थोड़ी डिजाइन बनाई गई है देखो डिजाइन बनाई गई है ऊपर जाएंगे हम टूट गया है पूरा मंदिर ये देखो ऊपर रूम जैसा बनाया था पहले ये उत्तर भारत की शैली बता रही है ये अंदर पीठ है पर खाली है और ये अलंकृत द्वार है ये सुंदर है ये देखो डिजाइन बनी हुई है शेर का मुख बना हुआ है
और नीचे गणधर गणिकाएँ अप्सराएँ और नीचे और डिजाइन और मूर्तियाँ खंडित मूर्तियाँ प्रेमालाप की मूर्तियाँ है। देखिए और द्वार पे द्वार पर ये बहुत सुंदर है, ये भी खंडित की गई है डिजाइन है, ऊपर भी खंडित मूर्तियाँ हैं। दूसरी साइड मुख बना है, देखो बच्चे को, बच्चे ने वस्त्र पकड़ रखा है अपने माँ का, ऐसा देखो सुंदर दृश्य कि अंकित किया गया। ये प्रेमालाप के प्रेम पति पत्नी के प्रेमी प्रेमिका के प्रेमा मतलब प्रेमालाप के दृश्य है पति पत्नी के, ये भी स्त्री पुरुष भाव प्रेम भाव प्रकट करते हुए यहाँ बालों में हाथ है। ये गणत द्वार पर यहाँ दूर से बैठा बैठा अब देखो पूरा दर्शन करवा रहा हूँ, बहुत सुंदर दिख रहा है मंदिर के पूरा मंदिर के दर्शन। ये पत्थर की पीठिका, ये रास्ते दो सीढ़िया और ये मूर्तियाँ बनी है बाहर की साइड, पीछे की साइड में मंदिर डिजाइन, ये ऊपर का कमलाकार शिखर खड़ा पूरा गार्डन सुंदर ये मंदिर। तो आप कभी भी मध्य प्रदेश आए तो पन्ना जिले में नचने गांव है, ये नचने गांव गंज से आगे थोड़ा, तो आप नचने गांव आए तो यहाँ पर चौमुखनाथ भगवान और श्रेयांश गिरी पर्वत ये दोनों के जरूर दर्शन करें। ये साहेल सालेहा गांव है बाजू में, वहां से गांव नजदीक है नचने, पुरातत्व विभाग साइड है। नचने गांव में और भी पुराने दो मंदिर बने हुए हैं, वहां मैं पहुंच चुका हूँ। ठुमरा मठ बोलते हैं, ठुमरा मठ मंदिर शिव मंदिर है, छठी सदी का है और अब तो जर्जरित हो चुका है, शिवलिंग भी टूटा हुआ है, मूर्तियां खंडित है। देखिए ये अलंकृत मूर्ति डिजाइनों से, ये बहुत दुर्लभ है, देखो स्त्री पुरुष के प्रेमालाप की सुंदर यहाँ मूर्तियां बनी है और पूरा देखो शिवलिंग जलाधारी, ये टूटे हुए अवशेष ये शिवलिंग खंडित है दो भागों में, बहुत बड़ा शिवलिंग है, छठी सदी का माना जाता है, गुप्तकालीन है ये और वे ऊंचाई पे है, वे मखाड़ा हो, यहाँ से श्रेयांश गिरी के सुंदर दर्शन होते हैं। फिर वहाँ हम ऊपर तक जाके अभी आए, सिरा पहाड़ी श्रेयांश गिरी। अब मैं आगे और एक रूपनी नीलकंठ
महादेव मंदिर है वहाँ जा रहा हूँ, वो भी बहुत पुराना है, जर्जरित है, खंडित है। ये ऊंचाई पे है, दूर से मैं इसका लोकेशन दिखा रहा हूँ, ठुमरा मंदिर। ये पूरा ईंटों का बना हुआ ढांचा, ऊपर सीढ़ियाँ है यहाँ तक जाने के लिए, जर्जरित हो चुका है, ऊपर रूम जैसा बना हुआ है कमलाकार, ऊपर बना हुआ है गुंबज। काफ़ी द्वार है इनके, 12 दरवाजे हैं, और इस पर मूर्ति अलंकृत डिज़ाइन करी हुई है, बारी भी है ऊपर भी। बहुत सुंदर लोकेशन है मंदिर। अब मैं नीचे जाऊंगा, नचने गांव का आखिरी मंदिर में पहुंच चुका हूँ, रूपनी नीलकंठ महादेव। वाइट कलर का है पूरा मंदिर, और चारों ओर दरवाजे, ऊपर भी दरवाजे हैं। एक छोटी टेकरी पर स्थित है, छोटा तालाब भी है यहाँ। रूपनी नीलकंठ महादेव में शिवलिंग बना हुआ है, शायद ये नया लगाया गया है, सुंदर लिंग है, पीठ है। बाहर भी वेदी बनी हुई है, ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां भी है। दरवाजे बने हैं यहाँ, ये श्रेयांश गिरी का सुंदर हमने दर्शन किए। नचने श्रेयांश गिरी के आखिरी पड़ाव पे हम आ गए हैं, आखिरी मंदिर पे आए हैं। ये रूपनी माता का यहाँ मंदिर, बहुत पुराना ढांचा है मंदिर, शायद मूर्ति नहीं है, पर अभी स्थान बना हुआ है माँ अम्बा दुर्गा का सिंह सवारी, और यहाँ पूजा पाठ भी होता होगा। चुंदड़िया लाल लगा दी गई है यहाँ, पर्दे लाल लगे हुए हैं, और ये स्तंभ भी पुराने लग रहे हैं। पूरा ढांचा है ये श्रेयांश गिरी, सोरा पर्वतमाला, विंध्याचल, एक छोटा तालाब भी है यहाँ। और अब आखिरी मंदिर ये रूपनी माँ के सामने नीलकंठ महादेव, इनमें शिवलिंग है, शायद नया स्थापित किया गया, पर मंदिर बहुत पुराना। विशेषता ये है कि इनमें तीनों ओर दरवाजे बने हुए, तीन और छः देखो, और दो गोख आठ, ये पांच और तीन आठ, और दो तीनों साइड बने हुए हैं। वाइट कलर का ये पुराना मंदिर, ये भी शायद छठी सदी का है, अब जर्जरित हो चुका है, ऊपर का माल बंद कर दिया गया, सीढ़ी बंद कर दी गई है, अंदर शिवलिंग स्थापित है, और गर्भगृह के प्रवेश द्वार भी थोड़ा मूर्ति डिजाइन से अलंकृत है क्योंकि खंडित है। तो ये आखिरी मंदिर हम रूपनी माँ नीलकंठ महादेव पहुंच चुके हैं। अब हम वापस जैन धर्मशाला जाएंगे और यहाँ से प्रस्थान करेंगे। तो नचने श्रेयांश गिरी जैन दिगंबर अतिशय क्षेत्र का हमने पूरा चौमुखनाथ सहित दर्शन करवाया आपको। मध्य प्रदेश आए तो पन्ना जिले में नचने गंज से आगे ज़रूर आए और दर्शन करें, अद्भुत ये तीर्थ है। पिछड़ा हुआ तीर्थ है पर बहुत सुंदर है, और छठी सदी के यहाँ 1500 साल पहले के अवशेष मंदिर, मूर्तियाँ, गुफाएँ बनी।